1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमने ये देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड होते हैं। एडिशन के लिए पहला रूल ये है कि ऑर्डर सेम हो। जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, हमने इसे ऐड करना है किसी और मैट्रिक्स में। दूसरे मैट्रिक्स के लिए हमें ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो हमारे पास ऑर्डर जिनका सेम हो। हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हमें दूसरा ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें रोज़ और कॉलम सेम हो, मतलब 2 ही रोज़ हों और 2 ही कॉलम्स हों। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले सकते हैं मैट्रिक्स बी। यहाँ मैट्रिक्स बी हम लेंगे 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 बाई 2, और यहाँ पे भी 2 बाई 2 है, इसलिए ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किन का ऑर्डर सेम है, कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे 2 बाई 2 है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे देखेंगे कौन से 2 रोज़ हैं, कौन से 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद ए और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ए एंड ई में है 3 और 1, इसका मतलब 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। यहाँ पर देखते हैं कौन सी 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। इसमें 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 3 है, ये 3 के इक्वल है। ये 1 और ये 2 और 1 कॉलम, ये 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, बी और डी, बी एंड डी, ये आपस में ऐड होंगे। और सी में हमारे पास हैं 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, और हम देखेंगे 3 रोज़ और 2 कॉलम्स किस में है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, कैसे है, 3, 2, 1 और 1, 2, ये 2 के इक्वल है, -4, 3 प्लस 2, 5, 1 डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 1, 3, यहाँ पे 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ए और ई आपस में ऐड हो जाएंगे, बी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे, सी और एफ आपस में ऐड हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने डेटिव इनवर्स फाइंड करना है। डेटिव इनवर्स में ये होता है कि हमने जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हमने उसका उल्ट कर देना होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव में चेंज करना है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो यहाँ माइनस से लिख सकते हैं हम, माइनस है। यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये प्लस 2, यहाँ माइनस 2 लिख देंगे, ये प्लस 4 है, माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 है तो प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 1 है, माइनस 1। डेटिव इनवर्स में हमने उल्ट कर देनी होती है, जो हमारे पास पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो हमने ये उल्ट कर दिया, जो पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव है हमने पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ ये भी पॉजिटिव था हमने नेगेटिव कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ए प्लस 1, 1, 1, 1, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स लिखना है, उसे प्लस करना है 1, 1, 1 और 1 में। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए हमारे पास है, पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास है -1, 2, 2, 1। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे ए, इसमें ऐड करेंगे ए को, -1, 2, 2, 1। अब इसे ऐड किया हमने 1, 1, 1, 1। ऐड कैसे करना है, हमने पहले ये बात पढ़ी है कि हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे 2 बाई 2 ऑर्डर है, यहाँ पे भी 2 बाई 2 है, तो ये ऐड हो सकते हैं। अब हमें ऐड करना है, यहाँ पे -1 है, ये वैल्यू इसमें ऐड होती है, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, ये हमारे पास एक रूल है, इसे ऐसे ऐड करते हैं। तो -1 करेंगे +1 में, आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, यहाँ पे 2 करेंगे +1, या ये प्लस है इसलिए प्लस करना है, ये 2 इसे +1, और यहाँ पे ये 1 है, 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, 0। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1, 3, आगे ये 2 प्लस 1, 3, 1 प्लस 1, 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। माइनस 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है 20 से। यहाँ पे आप सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो हमारे पास है 1 और माइनस 1। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बी माइनस 1 वैसे लिख दिया। आगे बी मैट्रिक्स लिखना है, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 और माइनस 1। अब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है स्मॉल ब्रैकेट 1 0, मैट्रिक्स लिखा हमने यहाँ पे 0 1। हमारे पास एक मैट्रिक्स है प्लस, जो प्लस हो रहा है 0 2 3 0, प्लस किया 1 1 1 0। सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये दोनों ब्रैकेट में है इसलिए हम बात सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है और ये देखते हैं कि ये दोनों एडिशन के लिए फॉलो होते हैं या नहीं। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ये इसलिए कि कंपेरेबल फॉर एडिशन है। तो हम सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 0 प्लस 2 स्पेस छोड़नी है यहाँ पर, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, इसे इसके साथ प्लस किया 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0 1 प्लस 0। स्मॉल ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, उसके बाद अगला मैट्रिक्स लिख देंगे 1 1 1 0। आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 1, इसे प्लस किया हमने। आगे अब इसे इसके साथ ऐड कर देंगे 1 1 1 0। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, आगे हमें इन दोनों को प्लस करना है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0, इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास मेरा आंसर आ गया।